हेलो एवरीवन, मैं राय आप सभी का राय ऑनलाइन एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। राय ऑनलाइन एकेडमी की एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको क्लास 10 से 12 के साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस सेमेस्टर एवं कंपटीशन का सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल में फ्री में अवेलेबल करवाया था। तो आज के इस क्लास में हम लोग 6 सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए इंडस्ट्रियल फ्लूइड पावर को स्टार्ट करने हैं, उसको सिलेबस को देखेंगे और पहला यूनिट को स्टार्ट कर देंगे। चलिए अपने सिलेबस की ओर देखते हैं। सिलेबस इसका 70 मार्क्स का एक्सटर्नल एग्जाम आपका होगा, उसमें पहले टोटल 6 यूनिट पढ़ना है। देखिए, हाइड्रोलिक सिस्टम किसे कहते हैं, जहां फ्लूड के रूप में ऑयल का प्रयोग हुए तो उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम। उसी प्रकार एयर का यूज हो तो पैनोमेटिक सिस्टम। तो देखिए, पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, फिर कंपोनेंट, उसका क्या क्या कंपोनेंट लगता है उसको, इन हाइड्रोलिक सर्किट यानी एक जगह से दूसरे जगह फ्लूड को ले जाने में कौन कौन सर्किट का यूज होता है, ये हो गया। उसी प्रकार पैनोमेटिक हो गया, फिर कंपोनेंट हो गया, पैनोमेटिक सर्किट हो गया। यानी आपको हम इंट्रोडक्शन यानी हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक कंपोनेंट और उसका हाइड्रोलिक सर्किट, यानी कि आपको यूनिट 3 ही यूनिट पढ़ाएंगे। केवल आपको हाइड्रोलिक ऑयल की जगह पैनोमेटिक सिस्टम, खाली हाइड्रोलिक ऑयल की जगह, यानी जहां पर रहेगा हाइड्रोलिक ऑयल वहां आपको कर देना क्या, एयर। हाइड्रोलिक ऑयल की जगह आपको खाली एयर कर देना है 4 यूनिट 5 और 6 यूनिट में। चलिए कि पहला यूनिट को स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 में है पढ़ना फ्लूइड पावर किसे कहते हैं, तो कहता है इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द जनरेशन ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ पावर प्रोड्यूस इन फ्लूड। जो फ्लूड में पावर प्रोड्यूस होता है उसको क्या, जनरेटर एंड ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह ले जाता है और कंट्रोल करने के लिए उस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, उसको फ्लूड पावर कहते हैं। फ्लूड में जो पावर होता है उसी को पावर कहते हैं। फिर कहता है फ्लूड पावर इज कॉल्ड हाइड्रोलिक फ्लूड पावर व्हेन द वर्किंग इज लिक्विड। जब लिक्विड अगर फॉर्म रहेगा तो फ्लूड को, उस फ्लूड पावर को क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक फ्लूड पावर। एंड फ्लूड पावर इज कॉल्ड, एंड फ्लूड पावर इज कॉल्ड पैनोमेटिक व्हेन वर्किंग फ्लूड, इसमें क्या रहेगा, एयर या गैस रहेगा, तब उसको क्या कहेंगे, पैनोमेटिक सिस्टम कहेंगे। कहता है द ऑयल इज यूज इन हाइड्रोलिक पावर एंड हाउ इवर वाटर इज चीपर। कहता हाइड्रोलिक ऑयल किसमें, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम यूज होता है। हाउ इवर कहता वाटर इज चीपर, वाटर भी एक लिक्विड ही है, फिर भी इसका यूज क्यों नहीं किया, बल्कि यह चीपर भी है, साथ ही इजिली अवेलेबल है, हम लोग को फ्री में मिल जाता है, तो अवेलेबल लिक्विड, बट इट इज नॉट यूज इन हाइड्रोलिक सिस्टम। इसका यूज हाइड्रोलिक सिस्टम में नहीं करते हैं, क्योंकि यह करोजन पाइप में जाएगा, पानी के थ्रू कंप्रेस का थी जंग लगा देगा, इसमें करोजन हो जाएगा। फिर कहता देखिए अगला पॉइंट, द मेजर डिसएडवांटेज, का बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, फ्रीजिंग एट लो टेम्परेचर, फ्रीजिंग हो जाता है। दूसरा करोजन इन टेक पाइपलाइन को करोजन कर जंग लगा देगा। कहता हाइड्रोलिक ऑयल इज मोर सुपीरियर, हाइड्रोलिक ऑयल मोर सुपीरियर है, किस वाटर से अधिक सुपीरियर है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोलिक सर्किट। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लूड सिस्टम देखते हैं, दो प्रकार का फ्लूड सिस्टम होता है, देयर टू टाइप्स ऑफ फ्लूड सिस्टम है ना। पहला फ्लूड सिस्टम हो गया फ्लूड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और दूसरा फ्लूड पावर सिस्टम। यानी फ्लूड का ट्रांसपोर्टेशन जहां हो, जिस सिस्टम होगा उसे कहते हैं फ्लूड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और हो गया फ्लूड पावर सिस्टम, फ्लूड फ्लूड से जिस सिस्टम में पावर प्रोड्यूस होगा उसी को कहेंगे फ्लूड पावर सिस्टम। तो पहले इसको डेफिनेशन कर देख लेते हैं। सच फ्लूड सिस्टम इन विच वर्क इज डन ऑन द फ्लूड, फ्लूड पर वर्क डन होता है, ड्यू टू विच हाइड्रोलिक पोटेंशियल एनर्जी या प्रेशर एनर्जी इज डेवलप इन फ्लूड, ड्यू टू विच इट्स गो ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। यानी कि फ्लूड का ट्रांसपोर्टेशन एक लोकेशन से दूसरा लोकेशन तक होता है, उसी को फ्लूड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लूड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसके एग्जाम्पल पंप देख लीजिए। दूसरा देखता है फ्लूड पावर सिस्टम, सच फ्लूड सिस्टम इन विच वर्क इज डन बाय द फ्लूड, इन दिस सिस्टम फ्लूड हैविंग पावर इन
प्रेशर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज अप्लाइड टू प्रोवाइड द मैकेनिकल डन, यानी मैकेनिकल वर्क करने में इसको डन करते हैं, यानी फ्लूड को यूज करते हैं पावर के रूप में। तो इसके टर्बाइन, टर्बाइन में हम लोग क्या फ्लूड को छोड़ते हैं तब टर्बाइन चलता है, हम लोग को इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक जनरेट होता है ना। तो ये था 6 सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फ्लूड पावर, ये छोटा यूनिट है, 6 यूनिट में, 6 यूनिट में केवल आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड ही आपको पढ़ना पढ़ाएंगे हम। इसमें कुछ कुछ टॉपिक है उसको एक आध दो उसको छोड़कर बाकी सब हम लोग सब पढ़ा देंगे। बाकी जहां आपको लग हाइड्रोलिक ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम यूज करेंगे उसी प्रकार हाइड्रोलिक ऑयल की जगह क्या लिख दीजिएगा, हाइड्रोलिक ऑयल की जगह आपको एयर लिख देना है, पेनोमेटिक सिस्टम में आपको बनाना रहेगा। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा तो पॉज करके लिख लीजिए, अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किए तो कर दीजिए, बेल का आइकन को दबा दीजिए ताकि आपका जो भी नोटिफिकेशन चैनल पर आए आपको सबसे पहले मौजूद। चलिए थैंक यू।